अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दरबार में विंध्याचल में हम सब लोग समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं कि भगवान शिव से उनके कल्याणकारी रूप की पूजा करके उनकी उनको उनका ध्यान करके उनकी आराधना करके हम लोग प्रार्थना करेंगे कि सारे समाज का विश्व का कल्याण हो और साथ ही हम लोगों को भगवान ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम लोग समाज की सेवा के लिए लोगों के कल्याण के लिए भगवान महादेव से प्रेरणा लेकर और अच्छे काम कर सकें। यही इस नश्वर जीवन की सफलता होगी और यही कामना है कि भगवान महादेव हम सब के ऊपर कृपा करके ऐसी बुद्धि ऐसा मार्ग प्रदर्शित करें जिससे हम लोग उनके जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है उसके अनुसार लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा सहायता सुरक्षा कर सकें। और समाज का जितना जहर है, जैसे भगवान जी ने सारे समुद्र से निकला हुआ विष पान किया था, उसी तरह हम लोग समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज के अंतर विरोध हैं, समाज की विकृतियां हैं, उनको ठीक करने में कुछ सफल हो सकें, इस कामना के साथ आज हम लोग भगवान की आराधना करने बैठे हैं कि हमको उस लायक बनाओए हमारी। शिवलिंग है वो कोई विशेषता है यहाँ खास तौर पे? बहुत ही बड़ा शिवलिंग है ये विंध्याचल माता के दरबार में। ये जस्यु मंदिर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत प्राचीन कालीन बहुत ऐतिहासिक शिव मंदिर है और इसके साथ बहुत सी किंवदंतियां दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ लोगों ने जो कुछ मांगा भगवान ने बड़ी उदारता के साथ उनको दिया और उसी कामना के साथ भगवान के सामने आशीर्वाद मांगने हम लोग आए हैं, लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए और इस क्षेत्र के कल्याण के लिए। बहुत पवित्र स्थान है गंगा माँ के किनारे पर ये भगवान भोलेनाथ का स्थान। यहाँ सवेरे से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और हम लोग भी उसी कामना के साथ, मैं तो लखनऊ से चलकर आया हूँ। जी, पूरा परिचय भी यहाँ पर। बहुत दूर दूर से मेरे बगल में प्रवेश भारद्वाज जी बैठे हैं जो गाजियाबाद से चलकर आए हैं और दूर दूर से प्रयागराज से जौनपुर से दूर दूर से लोग चलकर आए हैं इस मंदिर के, यहाँ के भोलेनाथ जी के मंदिर के महत्व को सुनकर उनकी आराधना। आप अपना परिचय भी दे दें। जी, डॉक्टर सूर्य कुमार पूर्व DG UP पुलिस और अभी भाजपा में प्रभारी प्रशासनिक कार्य उत्तर प्रदेश भाजपा। आजकल हम लोग इन कई समाज सेवी संगठनों और ये राजनैतिक संगठन भाजपा के माध्यम से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। किसी की भी कोई दिक्कत हो, किसी की कोई परेशानी हो तो यथासंभव हमसे संपर्क कर सकता है। कोई मुसीबत पड़े, कोई यथासंभव हम लोग जो कर सकते होंगे। की आराधना के लिए हम गाजियाबाद से चलकर आए हैं। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रवेंद्र भारद्वाज जी का नाम है और ये जो मंदिर है मुझे लगे 400 साल पुराना होगा, 400 साल पुराना। और विशेषता ये है कि यहाँ हर साल लगभग, मैं दूसरा पूजा है आपके, पिछली बार भी मुझे इन्होंने बुलाया था लेकिन बाबा का जब आदेश हुआ मैं सारे काम छोड़कर बाबा के नगरी और माता के धाम आया हूँ और ये गंगा जी के किनारे ये स्थान है
और मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ। और मैंने डीजी साहब जी को एक बार कहा, ये भी बाबा के धाम के लिए तैयार होगी, तो ये हमारा शुभ अवसर है। और सभी क्षेत्रवासी को शिवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। सर, आप इतनी दूर से आए हैं, लोग जानना चाहते हैं कि विंध्याचल में जो कॉरिडोर बन रहा है वो उसका आप समर्थन करते हैं? विंध्याचल में जो मंदिर का चौड़ीकरण हो रहा है, तो वो सुंदरीकरण हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुंदरीकरण होना चाहिए। और ये आज जो सरकार है मंदिरों पर, विशेषकर मंदिरों का सुंदरीकरण कर रहे हैं, सुंदरीकरण करेंगे तो लोग आएंगे और दर्शन होंगे वहाँ, बहुत भीड़ भाड़ थी आज, मुझे अच्छा लगा कि चारों तरफ उन्होंने वहाँ विकास हो रहा है, जगह बना रहे हैं, आज बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ प्रशासन को। अब बहुत ही प्राचीन ये शंकर जी का मंदिर है और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, और ऐसे में ये स्थान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसकी महत्ता के बारे में आज ऐसी मनोकामना है कि जो लोग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और विशेष पत्र और बेलपत्र आदि इत्यादि का चढ़ावा परिधान करते हुए जो भी मांगे मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है, ऐसी कामना यहाँ के भक्तगणों का विशेषता है। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हम जब से जानने लायक हुए हैं लगभग 1990 से, मैं मिर्जापुर जनपद में गांव से हम लोग चल करके आते थे, जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तब से महंत शिवाला शंकर भगवान के नाम से ही जाना जाता है। और लोग, हम लोग जब गुजरते थे लोग बताते बहुत प्राचीन मंदिर है, और शंकर भोले बाबा का जो एक बार दर्शन कर लेता है निश्चित तौर पर उसकी सारों मनोकामना पूर्ण होती है, और भोले बाबा में अकूत शक्ति है, इनका तेवर, इनका आशीर्वाद जिसको मिल जाता है निश्चित तौर पर वो शरीर निरोग होती है और धन धान से भी फलता। आशीष शुक्ला हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। बाबा प्राचीन शिव मंदिर बाबा भुवनेश्वर नाथ का, जो भी यहाँ भक्त आते हैं खाली हाथ आते हैं, झोली भर के जाते हैं, और जब भी कोई आया है यहाँ निराश होकर नहीं गया है। आज के 200 साल पहले का इतिहास है यहाँ के, जो मंदिर के मालिक थे इसके बाद हमारे नाना जी यहाँ के पुजारी हुए हैं, तब से लेकर के आज तक इस मिर्जापुर में शिवाला महंत केवल इस मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। मंदिर ही शिवाला महंत ही है, जो नगर में एक सबसे चर्चित जगह है बाबा भुवनेश्वरनाथ। कितना प्राचीन मंदिर होगा ये? लगभग 400-450 साल पुराना मंदिर है। माँ भगवती विंध्याचल रानी की जब से मंदिर है तब से ये भी मंदिर है, और दोनों के पुजारी पूर्व 400 साल से एक ही कुल से होते हुए चले आ रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी भी के पुजारी पहले यही थे, और उसके बाद से हमारे नाना जी स्वर्गीय पंडित विजयनाथ त्रिपाठी जी माँ का भी श्रृंगार किया करते थे, बाबा भुवनेश्वरनाथ का भी पूजन अर्चन करते चले आ रहे हैं, वर्तमान तक हमारी नाना जी की ही पीढ़ी चलती आ रही है, वर्तमान शिवाला महंत पुजारी स्वयं प्रकाश त्रिपाठी।